के 12 बज रहे हैं इस टाइम, तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। इसको यहीं पे ही चोट लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे इसने शायद काटा है इसको या नेल मारा है। बस 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 मेरी जान, ये देखें ये जो आप सब कहते हैं ना कि सनी को आप लोग घर के अंदर क्यों नहीं रखते, ये देखें छोटी मिनी उसके हाथ आ गई है। ये ना विंडो खुली आई थी, मिनी वहां से निकल गई। मामा एक मिनट पहले इसको देखे ना, इसको हुआ क्या है, ये देखिए कितने पता नहीं कहाँ से ब्लड निकल रहा है। यही ये यहीं पे मुझे लगता है चोट लगी है, ये उसने शायद इसको यहाँ काटा है। ये देखा, मैं इसीलिए सनी को अपनी कैट्स के पास नहीं आने देती, हम बातें कर रहे थे और पता नहीं चले कब विंडो से निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये रात को 12 बजे का टाइम था और मामा वगैरह आए हुए थे, तो लाइट आजकल इतनी ज़्यादा जा रही है ना, तो हमने ना डोर्स फिर भी बंद करके बैठे थे और अब इतनी लाइट जा रही है कि UPSP प्रॉपर चार्ज नहीं होता है। अच्छा, तो हम फैंस ऑफ करके हमने विंडो ओपन की और वहाँ से छोटी मिनी जो हमारी है वो किसी तरह से बाहर निकल गई गैरेज में, और गैरेज में सनी बैठा था, उसने उसको फ़ौरन से पकड़ लिया। फ़ौरन मिनी जो है वो चीखी और हम लोग एकदम से उसकी आवाज़ से बाहर भागते गए। जैसे ही हम बाहर भागे हैं सनी हमसे डर के छत पे चला गया, पर उतनी देर में मिनी इतनी ज़ख्मी हो चुकी थी और मिनी का जो है उसने स्टूल्स भी ऐसे ही खौफ के मारे स्टूल्स पास कर दिए थे और ब्लड से भरी हुई थी। लाइट वाले इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई, घंटे बाद लाइट लेके जा रहे हैं, हर आधे घंटे बाद हालत इस टाइम। अब तो UPSP चार्ज नहीं होता है जिस वजह से हमें अपनी विंडो, हमारा तो दरवाजा भी बंद रहता है, कभी मैं इन बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती हूं। ये मुझे ना, मैं जब भी सनी की वीडियोस डालती हूँ मैं सनी से मैं ये भी तो प्यार करती हूँ, सब ने मुझे ना क्रिटिसिज्म मेरे साथ नहीं, हम तो निकालते नहीं अपनी, हम तो विंडो भी नहीं खोलते, अब गर्मी इतनी है अंदर रहते हैं सारा दिन, अब आज गर्मी इतनी है हमारी मजबूरी थी विंडो खोलना, हमने इतने मैं तो कि आप ना आपने मिनी आपने पर्शियन कैट्स को अपने साथ रखा हुआ है तो उसको आप अपने घर में नहीं रखती हैं, तो आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा है कैट्स का, मैंने इतनी कैट्स रखी हैं और मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। आप ये देखें अभी जरा सी एक सेकंड, अब मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है जिनकी कैट्स के ऊपर, घर की कैट्स के ऊपर जो है स्ट्रे कैट अटैक करते हैं या बाइट कर लेते हैं, तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। सबसे पहले तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत पैनिक हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो मिनी को हमने शैम्पू के साथ वॉश किया अच्छी तरह से, ये ज़रूरी होता है ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह उसको ना अटैक कर सकें। और सनी जो है वो बाहर का कैट है, स्ट्रे कैट है, कोई वैक्सीनेटेड नहीं है और उसने मिनी को काटा है, तो हमें इस चीज़ से भी बहुत डर था। और यहाँ पे जैसे ही हमने फिर उस वॉश किया तो हम देख रहे थे तो चार जगह पर उसने इसको काटा हुआ था, चार जगह पर उसके दांतों की वजह से इसमें होल्स हो चुके थे, काफ़ी ब्लड इसको ब्लीडिंग हुई थी। और इस टाइम रात के 12 बज रहे थे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हम लोग इस टाइम पे जो हम लोग होम केयर उसके लिए और होम कितना ज़ालिम है सनी, ये देखें क्या किया उसने। तो सबसे पहले हमने उसको क्लीन किया और उसके जो भी जख्म थे थोड़े थोड़े सीजर से हमने उसके हेयर जो साइड से कट कर दिए थे, और सबसे पहले तो मैंने उनके ऊपर लगा दी थी पायोडीन। पायोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक होती है, तो सबसे पहले हमने पायोडीन लगाई और उसके थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर सिकाट्रिन पाउडर डाला था। सिकाट्रिन पाउडर जो है वो बहुत अच्छा होता है ज़ख्मों को हील करने के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो पॉलीफेक्स के साथ मिक्स करके लगाएं या ऐसे ही लगाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हील करता है। और इस टाइम पे उसकी जो है ना इतनी वो अभी भी घबराई हुई थी और डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, और उसको पेन बहुत हो रही थी सारी रात, इसको बड़ी पेन हुई है और सारी रात मुझे पता है मेरी कैसे गुजरी है, मैं इसको बार बार देख रही थी कि ये क्या कर रही है क्या कर रही है। ख़ुद हम लोग सही तरीके से नहीं सो पाए, बस किसी तरह से हम लोग भी सुबह का वेट कर रहे थे कि सुबह हो तो इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको देखे, मैंने उसके सारे ज़ख्मों पे सिकाट्रिन पाउडर भी डाल दिया है और हम लोगों ने इसको साथ में उसी टाइम हमने इसको एंटीबायोटिक भी दे दिया था, क्योंकि जब इस तरह से चोट लगती है या अटैक होता है तो कैट को बुखार भी हो जाता है।
और उसके लिए एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी टाइम हमने इसको ऑगमेंटन जो है वो हमने इसको दे दिया था सीरप। और यहाँ देखें हम लोग बेडशीट ठीक कर रहे थे, तो ये देखें मुआज़ा कितनी क्यूट लग रही है, कैसे देख रही है नीचे खड़ी होकर। और अब थोड़ी देर के बाद जो है ना मीनी की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, कुछ पेन भी कम हो गई थी और थोड़ी बहुत पहले से रिलैक्स हुई थी। जो एंटीबायोटिक दिया था वो इस पर्पज़ के लिए भी दिया था कि इसको ना पेन भी कम हो, इसकी पेन से इसको थोड़ा सा ना रिलीफ मिले। किसी को भी ना क्रिटिसाइज़ करने से पहले ना देखा करें और सोचा करें कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपनी कैट्स का आगाज़ ही स्ट्रे कैट से किया था, मैं स्ट्रे कैट से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप देखें एक साल हो गया सनी को हमारे घर आते और खाना खाते हुए, पर फिर भी सनी को जैसे उसके हाथ में ये लगी है उसने फ़ौरन से इस पर अटैक कर दिया। हालांकि मैं तो अपनी कैट्स को कभी बाहर नहीं जाने देती, कभी भी नहीं जाने देती, लेकिन बस ये किस्मत में ऐसे था कि वो विंडो से निकल गई और इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हो गई, हमारी मिनी को इतनी नज़र लग गई है। और अब ये सुबह का टाइम था तो मैं इसको सारी सारी रात देख रही थी, और इस टाइम आप देखें काफ़ी रिलैक्स हो चुकी है। तो फिर अब हम इसको ले आए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास एक छोटा सा क्यूट सा पपी आया हुआ था, जर्मन शेफर्ड, ये वैक्सीनेशन के लिए आया हुआ था। तो डॉक्टर, ये क्लाइंट हमसे पहले आए हुए थे, तो इनको डॉक्टर चेक करेंगे और उसके बाद फिर हमारी इसको छोटी मिनी को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं और मिनी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। मिनी मेरी गोद में कैसे माशाल्लाह बैठी है, ब्रेव बच्ची है। और मिनी की एज जो है ना इस टाइम मिनी 5 मंथ्स की है, लेकिन शुक्र अल्लाह का काफ़ी स्ट्रांग है और अपने आप को ना संभाल कर बैठी हुई है। और होम ट्रीटमेंट हमने इसको दे दिया था अच्छा सा, जिस वजह से ये काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। अच्छा चले, अब यहाँ पे हो गया है, इसका टाइम हो गया है, तो सबसे पहले डॉक्टर ने इसको शेव किया ताकि देखा जा सके कि इसके जख्म जो हैं वो कितने बड़े हैं। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपकी कैट के साथ भी कभी कोई मसला हो तो आपके रात के टाइम जब बेड अवेलेबल नहीं होता तो आपने क्या करना होता है। अच्छा, हमारे पास इनके लिए मेडिसन्स होती हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास पायोडीन भी थी, सिकाट्रिन भी था, एंटीबायोटिक सिरप भी था। तो मैं इंशाल्लाह अब बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए ना कैट्स के फर्स्ट एड बॉक्स की वीडियो भी लेकर आऊँगी कि आपके घर में हर वक्त कैट्स के लिए क्या कुछ होना चाहिए ताकि जब कोई डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो आप फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। तो इधर देखें, यहाँ शेव कर लिया और आप देख सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा उसने ना शायद 2-3 दफ़ा उसने बाइट किया इसको, जिस वजह से उसके होल्स हो गए थे। शेव इसीलिए करते होते हैं कि एक तो हमें पता चल जाए कि ज़ख़म कितना बड़ा है और उसको ट्रीट करना इजी हो जाता है। सेकेंडली, शेव इसलिए भी करते हैं कि ज़ख़म के अंदर इनके हेयर नहीं जाने चाहिए, वरना पस पड़ जाती है और जितने भी वाउंड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने शेव करनी है, बेड के पास ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ख़ुद भी घर में कर सकते हैं। और हमने डॉक्टर को बताया कि हमने इसको रात 12 बजे से ऐसे हुआ है और हम इसका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक करें, आप अभी देखेंगे भी कि उन जो कुछ हमने यूज़ किया था वही, वो भी डॉक्टर भी वही यूज़ कर रहे थे, और डॉक्टर ने इसका टेम्परेचर भी चेक किया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस कंडीशन में टेम्परेचर हो जाता है। तो डॉक्टर ने इसको कुछ इंजेक्शंस लगा दिए थे, एंटीबायोटिक भी लगा दिया था, और डॉक्टर ने बोला है कि जो एंटीबायोटिक आपने इसको रात को दिया है वही आपने इसको 5 से 7 दिन देना है, कंटिन्यू करना है। और ये वही सिकाट्रिन पाउडर है जो मैंने इसको रात को से, मैं बार बार इसको लगा रही थी, हमने रात को इसको कई दफ़ा जो है ना सिकाट्रिन लगाया है, और हमने इसको वो लगाया था पायोडीन लगाई थी, ठीक है। तो हमने जो ट्रीटमेंट किया है वही ट्रीटमेंट आगे इसका कंटिन्यू रखना है। और ये रिफ्लेक्स का एक नया फीड डॉक्टर के पास आया था, फीड प्लस का ये पैक था,
तो ये था फॉर मदर एंड बेबीज, ताकि जो मदर्स फीड करवा रही होती हैं और वीक होती हैं, ये उनके लिए था, या प्रेगनेंसी में भी आप दे सकते हैं। और इधर पेट लाइन के फीड भी पड़ी थी, पेट लाइन भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि आप बताएं कि रेफ्लेक्स से ज़्यादा इकोनॉमिकल और अच्छी फीड कौन सी है, तो ऐसी कोई भी नहीं है। आपको रेफ्लेक्स से हाई प्राइस में आपको अच्छी मिल सकती है। अब तो रेफ्लेक्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया, 17,000 का उसका आता है, 15 kg का बैग आता है। तो खैर ये तो हो गया। और अब माशाल्लाह मिनी काफ़ी रिलैक्स है, आपको भी देखने में भी लग रही है बहुत रिलैक्स है। तो अब हम इसको घर ले जाएंगे, और जो मैंने इसका रात को हमने ट्रीटमेंट किया था वही ट्रीटमेंट इसका हम 5 से 7 दिन कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह इसे कुछ भी नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगी। और आप ही किसी कैट के साथ कोई मसला हो इस तरह का, तो आप ही उसको ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये बाउल्स जो हैं, ये मैं बच्चों के लिए ले रही थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जब भी आती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही लेती होती हूँ बच्चों के लिए। तो अब आपको भी हर ब्लॉग में पता चलता रहेगा कि मिनी अब किस तरह से होगी, ये रिकवर हुई है कि नहीं हुई है। तो मिलूंगी आपके साथ अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।